क्वेश्चन में बोला है कि अरविंद रन्स 5/4 टाइम्स एज फास्ट एज भानु इन अ रेस। एक रेस में अरविंद जो है वो भानु को 60 मीटर का लीड दिया है, तो हमें बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे दोनों मीट करेगा। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो क्या है कि अरविंद का स्पीड और भानु का स्पीड का जो रेशियो है यह कितना दिया है, 5/4। एक और बात देखिए कि अगर दोनों दौड़ना स्टार्ट किया, अरविंद पीछे है, भानु आगे है और बीच का लीड है 60 मीटर, तो दोनों एक साथ भागना स्टार्ट किया है, जहां जाके मिलेगा वो भी एक ही साथ मिलेगा। तो क्या इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि टाइम जो है टाइम सेम है? अगर टाइम सेम हुआ तो जो डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम सेम होने से डिस्टेंस का जो रेशियो है वही स्पीड का रेशियो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे a बाई बी इक्वल टू 5/4 है, a हमने लिखा है स्पीड का रेशियो क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर हम डिस्टेंस का रेशियो लिखने जाए ना, डिस्टेंस किसका, अरविंद और भानु का, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 5/4 ही होगा। मतलब जब अरविंद 5 यूनिट जाएगा तो भानु 4 यूनिट जाएगा। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 1 यूनिट का। जब दोनों एक साथ मिल जाएगा तो ये जो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 60 है तो इस 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300। इसका मतलब कि देखिए, ए जो है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करके और एंड तक गया है, तो ए ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही होगा पूरा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 300 मीटर। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुँचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सारे बेस्ट PYQ का सलूशन मिलेगा आपको डिटेल में। और अगर हम यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो उठाएंगे बेसिक से लेके जाएंगे टॉप तक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सलूशन के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।